मैं हूँ, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है अमीना एस। और आप लोगों को मेरे टाइटल से ही पता चल गया होगा कि आज का व्लॉग जो है वो हिंदी में होने वाला है। मैं यूजुअली इंग्लिश में करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब थोड़ी बहुत हिंदी में भी व्लॉग्स बनाऊँ। और मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं आज हिंदी में व्लॉग करने वाली हूँ। और थोड़ी कंफर्टेबल, मैं थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल हूँ यूजुअल डेज से। तो फिर इस लुक के बारे में बात करते हैं। ये एक्चुअली दिवाली लुक नंबर 2 है। इसको मैं दिवाली से पहले ही रिलीज करूंगी सो दैट आप लोग को भी हेल्प मिले। ये स्मोकी आई लुक है जो कि बहुत इजी है क्रिएट करने के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको कैसे क्रिएट करना है, कीप ऑन वॉचिंग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने अपनी ब्राउज कर ली है और नेक्स्ट चीज में हम मूव कर रहे हैं वो है आईज। मैं आईज पहले करूंगी क्योंकि ये स्मोकी आई है। मैं वैसे भी आईज पहले ही करती हूँ, लेकिन क्योंकि ये स्मोकी आई है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी पहले आईज करें और उसके बाद बेस, सो दैट आप इसको ना क्लीन कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले उस चीज के लिए मैं एक काजल पेंसिल लूंगी और ये काजल पेंसिल रेवलॉन की है। आप कुछ ऐसे काजल पेंसिल ले सकते हैं जो इजीली स्मज हो, तो ये काजल पेंसिल मुझे लगता है कि ये इजीली स्मज होता है इसलिए मैंने इसको लिया है। सबसे पहले मैं इसको एज अ बेस यूज करूंगी फॉर माय स्मोकी आई। तो नीड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। फिर मैं एक ब्रश लूंगी और ये कलर बार से है और मैं इसको स्मज करूंगी। ज्यादा फैलाने की कोशिश ना करें उसको, आप ट्रांजिशन ये क्रीज लाइन के अंदर रखने की कोशिश करें ये काजल पेंसिल को। फिर आप दोबारा काजल पेंसिल से लेके लैश रूट्स को थोड़ा आप और थोड़ा डार्क कर दें। तो मेरी स्मोकी आई के लिए मेरी बेस रेडी है और इस लुक के लिए आपको सिर्फ एक आई शेडो चाहिए और वो मैं ले रही हूँ स्केच आई शेडो फ्रॉम मैक। और मैं इसे वही सेम ब्रश से मैं इसे प्लेस करूंगी। फिर मैं एक फ्लफी ब्रश लूंगी, ये मॉर्फी M441 की है और मैं थोड़ी से आई शेडो में डिप करके इसे ब्लेंड कर, मैं सारी एजेस को ब्लेंड करने की कोशिश करूंगी। वो एक ग्रेडियंट आ जाएगा फ्रॉम डीप टू लाइट। अगर आपको कोई क्रिस्प एज बनानी है तो आप इस तरीके की कोई हार्ड चीज या हार्ड कार्डबोर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग ले ले और इसे आप यहाँ पे एंगल पे रख ले और फिर उसको ब्लेंड करें। मेरी ब्लेंडिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं मूव करूंगी अपने फेस में। सबसे पहले मैं जितनी भी यहाँ पे मेस मैंने करा है उसे मैं पहले क्लीन करूंगी अपने माइसिला वाटर से, उसके बाद वी मूव ऑन टू। तो आप एक कॉटन पैड ले ले, राउंड से कॉटन पैड, और इसको फोल्ड कर दे हाफ और इस पे अपने माइसिला वाटर या कोई भी रिमूवर हो उसको लगा के फिर ये एज वाली साइड से आप उसको क्लीन कर ले, वो एक एज क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। तो मैंने अपने सारे मेस को क्लीन कर लिए। अब चलते हैं हम लोग अपने फेस पे और उसके लिए मैं सबसे पहले यूज करूंगी एक ऑयल, और ये ऑयल अब फरसाली से मैं यूज कर रही हूँ। रीजन ये है मेरा इस ट्यूटोरियल में ऑयल यूज करने का पहला, क्योंकि मैंने ये परचेज किया है न्यू और मुझे ये ट्राई करना है। दूसरा इसलिए क्योंकि मैं आज एक लिक्विड फाउंडेशन नहीं यूज कर रही, मैं आज एक स्टिक फॉर्म में मैं फाउंडेशन यूज करूंगी और वो एक स्लिप क्रिएट करने के लिए मुझे ये ऑयल यूज करना है। जस्ट वन ड्रॉप। अगर आप ऑयली स्किन है मेक श्योर दैट आप ज्यादा इसे ना यूज करें बिकॉज ये एक ऑयल है। तो बेस करने से पहले, फाउंडेशन में जाने से पहले हम कलर करेक्ट कर लेंगे जहां जहां मुझे लगता है कि मेरी डिसकलरेशन है। आज तो मुझे ज्यादा ही डिसकलरेशन नजर आ रही है बिकॉज ऑफ न्यू लाइटिंग, तो मुझे लगता है आज मुझे ज्यादा कलर करेक्ट करना है। लेट्स डू इट। थोड़े से ऑरेंज करेक्ट। तो ये सारी करेक्टर मैंने लगा ली है और उसके बाद हम ब्लेंड करेंगे ब्रश से, रियल टेक्निक्स नंबर 200 ब्रश से, और उसके बाद हम स्पंज से उसे सीमलेसली ब्लेंड करेंगे। अब ब्यूटी ब्लेंडर लेके हम लोग सारे उसको सीमलेसली ब्लेंड कर लें।
नेक्स्ट हम लोग फाउंडेशन लेंगे और ये बॉबी ब्राउन स्टिक फाउंडेशन है, तो पहले हम लोग स्ट्राइप बना लेते हैं। ये थोड़ी सी मेरे लिए लाइट है, लाइक वन शेड लाइटर, बट ब्रॉन्जर से वो ठीक हो जाएगा। मैं एक बॉबी ब्राउन की ब्रश ले रही हूँ, इट्स अ फुल कवरेज फेस ब्रश, और मैं उसको ड्रैग नहीं करूंगी, मैं स्टिपल करने की कोशिश करूंगी जहां जहां मैंने करेक्टर लगाया। अगर कभी भी मुझे लाइक एक्स्ट्रा फाउंडेशन लगाना होता है ब्यूटी ब्लेंडर से, तो मैं पहले स्ट्राइप नहीं बनाती, मैं डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर को ऐसे मैं ले लेती हूँ, मैं डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर में लगा के फिर उसको ब्लेंड कर लेती हूँ, और वो डायरेक्टली मैं उस एरिया में पुश करती हूँ, जैसे कि मुझे सेंटर ऑफ माई फेस में मुझे ज़्यादा कवरेज चाहिए होता है और लाइक आउटर पैरामीटर्स में कम। तो आइज में जाने के लिए मैं फिर से काजल पेंसिल का इस्तेमाल करूँगी, मैं उसको टाइट लाइन करूँगी इस काजल पेंसिल की हेल्प से। आपको इस लुक के लिए सिर्फ एक काजल पेंसिल और एक आई शेडो की ही जरूरत है बस। तो मैं वही सेम काजल लूंगी और उसको टाइट लाइट करूंगी, और फिर मैं अपने वाटर लाइन में भी इसे यूज करूंगी, और मैं इसको वाटर लाइन में भी लगा लूंगी। तो आप थोड़ी सी कंसीलर ले लें, थोड़ी सी नहीं, हाईलाइट करने के लिए और कंसील करने के लिए मैंने ये कंसीलर ले लिया। मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड करूंगी। कंसीलर हो गया है, और इसके बाद फिर अब मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर से उसे सेट कर लूंगी, और उसके लिए मैं लॉरा मर्सिया पाउडर लूंगी, ट्रांसलूसेंट सेटिंग पाउडर है, और उसे डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर में आप लेके प्रेस कर दें। स्माइल लाइन से वो क्रीज आती है तो मैं इसको सेट कर दूंगी पहले। नेक्स्ट मैं लाइनर पेन लेती हूँ, इट्स अ लिक्विड लाइनर पेन, आप किसी भी ब्रांड के यूज कर सकते हैं। शायद एक एक्स्ट्रा स्टेप आप लोगों को लगे, लेकिन ये एक्चुअली में बहुत डिफरेंस लाता है। हम सेम शेडो लेते हैं जो कि मैंने आईलिड पे लगाया हुआ है, लोअर लैश लाइन को मैं स्मोक आउट करूंगी। क्योंकि मैं इस लुक में फॉल्स लैश का उपयोग नहीं करूंगी, तो मैं लाइक बहुत जेनरसली मस्कारा लगाऊंगी। आप चाहे तो फॉल्स लैश लगा सकते हैं, बट मैं इस लुक में नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा क्विक एंड इजी सॉर्ट ऑफ मेकअप लुक है। तो मैंने ये मस्कारा लिया हुआ है, और ये लंकोम ग्रैंडियोस मस्कारा है। पहले रूट्स में लेके आप विगल करें, उसके बाद आप उसको ऊपर ले जाए, और यही सेम मस्करा से मैं लोअर लैशेस को भी कोट कर लूंगी। मस्करा भी हो गई है, नाउ हम लोग अब फेस की तरफ मूव करते हैं, और उसके लिए सबसे पहले मैं यूज करूंगी ब्रॉन्जर, और ये विक्टोरिया बेकहम एस्टी लॉडर का ब्रॉन्जर है। मैं तब तक इसे यूज करूंगी जब तक मैं कोई नया परचेज ना कर लूं, और हॉलोज के थोड़े से ऊपर पे आप उसको ब्रॉन्ज करेंगे अपने फेस को, हॉलोज के नीचे नहीं, जस्ट लिटिल बिट अबव। अगर आपकी चिन लंबी है तो थोड़ी सी चिन में भी लगा लें, क्योंकि मेरा फेस थोड़ा स्क्वायरिश टाइप का है, मैं चिन में नहीं लगा रही हूँ, मैं यहाँ पे लगाऊंगी ताकि मेरा फेस जो है वो थोड़ा लॉन्ग दिखे। मैं इस साइड थोड़े से अपने बोन्स पे लगा लेती हूँ। नेक्स्ट चीज़ है, बहुत कोई पहले ब्लश करते हैं उसके बाद हाईलाइटर, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि पहले मैं हाईलाइटर करूँ और फिर ब्लश, ताकि मैं वो बीच में एक ब्लश और हाईलाइटर के बीच में वो एक बहुत ब्यूटीफुल सा कलर ट्रांजिशन हो। तो पहले मैं हाइलाइटर करूंगी, उसके लिए आई टेक माय फैन ब्रश, एंड आज मैं मेरी लुमिनाइजर हाइलाइटर यूज कर रही हूँ, और अपने हाई पॉइंट्स पे मैं लगाऊंगी। तो मैंने चीक पे अपना हाईलाइट लगा लिया, अब टेम्पल्स के लिए मैं एक आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश यूज करूंगी, सो दैट मुझे थोड़ा सा कंट्रोल मिले। मैं फैन ब्रश का यूज़ करती थी तो मेरे सारे हाइलाइटर यहाँ वहाँ फैल जाते थे, तो आज मैंने सोचा कि मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और उसे मैं टेम्पल्स में लगाऊंगी, थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा मुझे। और थोड़े से चिन पे,
अब मैं एक पेंसिल ब्रश लूंगी और अपने नोज और इनर कॉर्नर, आईज के इनर कॉर्नर पे हाईलाइट करूंगी। सेम पेंसिल ब्रश से मैं अपनी आईज के इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट करूंगी। अब नेक्स्ट है ब्लश। हाइलाइटर हो गया, ब्रॉन्जर हो गया, अब ब्लश लेते हैं और ब्लश को ब्रॉन्जर और हाइलाइटर के बीचों बीच लगाते हैं। और एप्पल्स पहले निकालना चाहिए, मैं पहले एप्पल निकाल के उसको फिर ड्रैग करती हूँ बैकवर्ड। अब मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर से पुश करती हूँ सब चीज इस तरीके से। अब हम लोग आखिरी पार्ट में जाते हैं, वो है लिप। और उसके लिए मैं मैक सोर लिप लाइनर लेती हूँ। अगर आपको लिप लाइनर नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी लाइंस प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, इसलिए मैं लिप लाइनर यूज करती हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपका लाइंस प्रॉपरली डिफाइंड है तो कोई जरूरत ही नहीं है। मैं ये सेम लिप पेंसिल से पूरे अपने लिप को फिल कर लूंगी। अब नेक्स्ट है लिपस्टिक, और वो मैं मैक की ले रही हूँ, उसका नाम है बर्न स्पाइस। तो ये हो गई है मेरी लुक कंप्लीट। और आज का ये जो लुक था, ये ऑलरेडी मैंने ट्राई करा हुआ था और ये मुझे बहुत इजी और सिंपल लगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। और ये आज पहली बार है जो मैंने हिंदी पे व्लॉग करा है। अगर आप लोगों को इस तरीके का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं इस तरीके का सिमिलर वीडियोस में बनाऊं। तो अगर आपको ये लुक पसंद आया हो, ये मेरा दिवाली लुक नंबर 2, ये ग्लोवी स्किन विथ मर्वी लिप और स्मोकी आई, अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ 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 हिट करें वो लाइक बटन। और अगर आप नहीं हैं मेरे चैनल में सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्टे लव्ड, स्टे ब्यूटिफुल एंड हैप्पी दिवाली। बाय।